प्रधानमंत्री मोदी का सभी राज्यों को सख्त निर्देश, स्टोरेज में पड़े वेंटिलेटर तुरंत चालू हों। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय सभी राज्यों से युद्ध स्तर पर काम करने को कहा। सभी राज्यों को कोरोना टेस्ट बढ़ाने को पीएम का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाने को कहा। पीएम मोदी ने इस कोरोना लहर से मुकाबले के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा गया। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वितरण योजना बनाने का निर्देश। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन तेजी से बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से कोरोना के सही आंकड़े बताने को कहा, कोई भी छुपाए नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का कोरोना से निधन। देश में पिछले 24 घंटों में 3,26,014 नए कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटों में देश में 3,52,750 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,000 नए कोरोना मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 11,592 मरीज ठीक हुए। बंगाल में 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। बंगाल में 30 मई तक जरूरी सामान की दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 73% पहुंचा। दिल्ली के रामलीला मैदान पे 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल। देश भर में वैक्सीन की कमी, कई टीकाकरण केंद्रों पर ताला बंद। उड़ीसा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,00,000 पार। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 6, गाजियाबाद मथुरा कानपुर में 3-3 रोगी। यूपी में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमेटी बनी। ब्लैक फंगस का सामना करने के लिए यूपी में डॉक्टरों को प्रशिक्षण। नोएडा में 5, मेरठ में 4, आगरा में 1 ब्लैक फंगस का मरीज। लखनऊ में कोरोना राहत में पुलिस की चेतक से सहायता। लखनऊ के जिला अधिकारी का दावा, यहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। लखनऊ जिला अधिकारी का ऐलान, कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम लखनऊ ने यहां दवाओं और चिकित्साओं सुविधाओं की कोई कमी न होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश में 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के पीछे स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल एक अहम वजह, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। केरल में तौकते तूफान से भारी बारिश, तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान। चक्रवाती तूफान तौकते की रफ्तार 174 किलोमीटर प्रति घंटा। तौकते तूफान गुजरात की तरफ पूरे उफान पर बढ़ रहा। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में रेस्क्यू टीम तैनात। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश, 17 दिन से कोई मामला नहीं। बिहार के सांसद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सभी मिलकर काम करें। मोहन भागवत ने कहा, समय कठिन है, डटकर मुकाबला करना होगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा, सोच सकारात्मक रखिए, निराशा का भाव दूर भगाएं। विस्तारा व इंडिगो की प्रतिकूल मौसम देखते हुए सभी उड़ाने रद्द। बेंगलुरु में सेना की इंजीनियरिंग इकाई के एक आपात टास्क फोर्स को भी तैनात। ब्रिटेन में भारतीय कोरोना स्ट्रेन मिला, हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेना तैनात। फिल्म अभिनेता परेश रावल की मौत की अफवाह ट्विटर पे। लखनऊ के गुडम्बा में मोटरसाइकिल से एक बच्चे का अपहरण करने वाले को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। कानपुर विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर आर एन सिंह मारपीट में गिरफ्तार। समाचारों से जुड़े रहने के लिए